लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर से विपक्ष एक साथ एक ही मंच पर नजर आने वाला है। रांची में आज इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली होने जा रही है। इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित उलगुलान न्याय रैली की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं के पोस्टर रैली ग्राउंड में लगाए गए हैं, जहां इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लगातार रांची पहुंच रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर रांची में करीब 2 बजे इंडिया गठबंधन की उलगुलान यानी कि आंदोलन रैली को आयोजित किया जाएगा। इस रैली में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे। शनिवार से ही इस रैली को लेकर रांची के ग्राउंड में तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं के पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। बता दें, इस रैली को झारखंड के मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस रैली के जरिए विपक्षी नेता आगे का चुनावी एजेंडा तय करेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन शुरुआत से ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को साजिश बताकर ईडी पर आरोप लगा रहा है। साथ ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा भी लगातार उठा रहे हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर महारैली का आयोजन कर वोट बैंक साधने की कोशिश की जाएगी। इसी कड़ी में जेएमएम नेता महुआ मांझी ने कहा कि इंडिया गठबंधन एक साथ है। इस रैली की सफलता का हमें पूरा विश्वास है। जनता सब जानती है, सब देख रही है। ये बहुत बड़ी रैली है और मुझे नहीं लगता कि झारखंड में इतनी बड़ी रैली कभी हुई होगी। और स्वतः लोग आ रहे हैं इस महारैली में, क्योंकि यहाँ पे चूँकि माननीय हेमंत सोरेन जी की बात है और जनता उनके लिए उमड़ पड़ रही है और इंडिया गठबंधन एक साथ है, तो इस रैली की सफलता का हमें पूरा विश्वास है। और सभी लोगों को जो माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ है, जो अन्याय के खिलाफ है, वो आज इस रैली में आपको दिखेंगे। पूरे देश भर के तमाम नेता आ रहे हैं और झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। देखिए, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जनता सब जानती है और जनता देख रही है। बस जनता को, जनता के सामने खड़ा होना है, दिखाना है कि जनता हमारे साथ है। और ये उलगुलान एक क्रांति है। झारखंड उलगुलान के लिए हमेशा से जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा ने भी उलगुलान किया था और हमेशा अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, जो आज इस देश में हो रहा है, जो भी अभी हमारी केंद्र में जो पार्टी है, वो हमेशा आप देख रहे हैं कि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको किस तरह से तंग कर रही हैं, उनके लोकप्रिय नेताओं को किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा है। हमारे झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ जो हुआ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ वही हुआ, इस तरह से लगातार इस तरह का प्रयास जारी है। उसी के खिलाफ ये उलगुलान है, ये महारैली है, ये न्याय यात्रा है। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी रांची पहुंच गई हैं और वहां पहुंचते ही उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर ये आखिरी चुनाव है। मैसेज बस यही है कि ये तानाशाही के खिलाफ हमें लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से जनप्रतिनिधि चुनकर आए, हेमंत सोरेन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, उन पे ईडी, आईटी, सीबीआई, इन सब तरीके की जांच लगाकर उनको जेल में डालने का काम किया है। निर्दोष लोगों को जेल में डाल रहे हैं, क्योंकि जस्ट उनकी गुनाह क्या है, वो इस केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। तानाशाही बढ़ती हुई तानाशाही हो, बढ़ती महंगाई हो, बढ़ती बेरोजगारी हो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, ये सारे मुद्दे हमारे लिए बड़े मुद्दे रहेंगे और हम जनता के बीच उसको लेकर जा रहे हैं। और अगर आपने फेज़ वन का चुनाव देखा होगा तो उसी से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एज अ प्रधानमंत्री आखिरी चुनाव है। जहां एक तरफ विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे उलगुलान कहना बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए, उलगुलान आदिवासी अस्मिता से, आदिवासियों के संघर्ष से जुड़ा बहुत पवित्र शब्द है, जिसे भगवान बिरसा मुंडा जी ने 1895 से 1900 के अपने आंदोलन में जिसका प्रयोग किया था। और ये तो भ्रष्टाचारियों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, परिवारवादियों का महाजुटान है। इसे उलगुलान कहना बिल्कुल उचित नहीं है। अब देखिए ना, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। सनातन को गाली देने वाले लोग आ रहे हैं, जो साउथ इंडिया को अलग राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं वो लोग आ रहे हैं, जो सुरक्षा बलों से कश्मीर में रेप करने का आरोप लगाते हैं उस दल का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही बड़ी मुहिम से ये सारे भ्रष्टाचारी और परिवारवादी डर गए हैं और इस तरह का नाटक करके लोगों में संदेश देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश को मोदी पसंद है, 400 से बड़े मार्जिन से हम फिर से सत्ता में लौट रहे हैं,
कोई जुटान हो जाए साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, जिसके चलते आज रांची में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एक साथ एक मंच पर आकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जनता से संवाद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।